नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, इस वनस्पति को तो आपने अवश्य ही देखा होगा। यह वनस्पति जमीन से 1 से 3 फीट तक ऊंची होती है और इसके पत्र अंडाकार होते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में सारे भारतवर्ष में अपने आप उग आती है। ये पौधा पूरा हरे रंग का होता है। इसका कांड पतला और सीधा होता है। इसमें से कई शाखाएं निकलती है। इसके पत्र अंडाकार 1 से 3 इंच लंबे और 0.5 से 1 इंच चौड़े होते हैं। ये पत्ते दंतुर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस पौधे का संस्कृत नाम है मुक्तवर्चा, अरिष्ट मंजरी और हरित मंजरी। इसका हिंदी नाम है खोखला और कुप्पी। इसे मराठी भाषा में खोखली, कुपी और खाजोटी से पहचानते हैं। इसे असमिया भाषा में पत्र मंजरी और बंगाली में मुक्त मंजरी कहते हैं। इसका मलयालम नाम कुप्पामणि और कन्नड़ नाम चालमारी है। तमिल में इस पौधे को पुन्नामयकी से जानते हैं। दोस्तों, ये जड़ी बूटी त्वचा रोगों में बहुत लाभकारी होती है। इसे दाद पर लगाने से दाद खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसका गुजराती नाम दादरो है। गुजरात के काठियावाड़ में इसे वेसी कांटो कहते हैं, क्योंकि बिच्छू के काटने पर इसके पत्ते और रस को लगाया जाता है। इस पौधे का अंग्रेजी नाम इंडियन एकेलिपा और लैटिन नाम एकेलिपा इंडिका है। दोस्तों, आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं और आपके क्षेत्र में इसका उपयोग किस रोगों पर किया जाता है, यह जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पौधे के गुणों के बारे में। आयुर्वेद के मत अनुसार ये पौधा रेचक और वामक होता है। यह कफ को मिटाता है और कृमिघ्न होता है। ये फेफड़े में जमा हुए कफ को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका औषध कार्य में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे पौधे को लाकर साफ करके थोड़ी सी मात्रा में लहसुन मिलाकर लगभग 400 मिलीलीटर पानी में उबाले और जब 1/4 शेष रह जाए तब ठंडा होने के बाद छानकर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन कराए। इस प्रयोग से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर छोटे बच्चे हो तो 1 चम्मच की मात्रा में इसका ताजा रस थोड़ी लहसुन के साथ पिलाए या थोड़ा शहद मिलाकर भी पिला सकते हैं। दोस्तों, इसकी पत्तियों का क्वाथ बनाकर सेवन करने से खांसी, दमा और श्वास में अधिक फायदा होता है। इस प्रयोग से हल्के जुलाब होते हैं और ये फेफड़े में जमा हुए कफ और स्त्राव को बाहर निकाल देता है। ये दमा और खांसी की एक रामबाण औषधि है, इसलिए इसे खोखली भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसकी ताजी पत्तियों को सब्जी बनाकर सेवन करते हैं। दोस्तों, ये जड़ी बूटी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अक्सर है। यदि पेट में कीड़े हो तो इसके रस के साथ शहद मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में पिलाएं। इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को पेट में कफ जम गया हो तो ऐसे में इसके पत्तों का रस 1 चम्मच की मात्रा में पिलाएं। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, इसकी जड़ का गुणधर्म रेचक होता है। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से जुलाब होकर पेट साफ हो जाता है। इस पूरे पौधे का क्वाथ बनाकर इसकी कुछ बूंदे कान में टपकाने से कान का दर्द ठीक होता है। इसके अलावा इसके पत्तों का रस निकालकर तेल के साथ मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से जोड़ों का दर्द ठीक होता है। जहरीले कीड़े के काटने पर भी इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से जहर मिटता है और दर्द भी ठीक होता है। इसके अलावा घाव और व्रण हो जाने पर इसके पत्तों का रस लगाया जाता है और पत्तों को पीसकर पुल्टिस बांधी जाती है। इसके पत्तों का ताजा रस निकालकर दाद, खाज, खुजली और कंडू पर लगाने से बहुत बड़ा फायदा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।